फ्रीक्वेंसी डेटा क्लासिफाइड है 10 क्लासेस में एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये फिटेड किया हुआ है टू डेटा आफ्टर एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स। टू यूज काई स्क्वेयर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट टू क्लासेस आर कंबाइंड इनटू वन क्लास। हेंस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विथ काई स्क्वेयर टेस्ट आर एंड दिस आर द ऑप्शन। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अगर आपके पास में ये 10 क्लासेस हैं और इन 10 क्लासेस में से आपने कोई दो क्लासेस लिए और इन दो क्लासेस को वन क्लास में अगर कंबाइन किया तो आपके पास में कितने क्लास रहते हैं। ये वन से लेके 8 तक तो आपने क्लास लिख दिए और ये जो लास्ट के दो क्लास है ना, इन दो क्लास को आपने वन क्लास में कंबाइन किया और उसे वहां पे लिखा तो कितने क्लास हो जाएंगे, ये 9 क्लास। हेंस आपके पास में क्लास रहते हैं 9। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये फिटेड होता है टू डेटा आफ्टर एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स है मीन एंड वेरियंस। तो इस 9 जो हमारे पास में क्लासेस आए थे उसमें से हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर मीन एंड वेरियंस से माइनस करेंगे। अब क्या कहता है कि ये इंफॉर्मेशन देने के बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद काई स्क्वेयर टेस्ट आर। अब ये जो लिखा है हमने 9 माइनस 2, अब इसको क्या करो, माइनस वन। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है 6। हेज हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद काई स्क्वेयर टेस्ट आर, वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 इज करेक्ट आंसर।